जी हम लोग लोगो, फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया लोगो आप लोगों को मैंने इनिशियली एसईओ के वर्ड के बारे में बताया था, सर्च इंजन के जब ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ब्रेकिंग बात हुई, मैंने कहा था कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने टैग्स बनाए थे गिग्स के, तो अब ये सर्विसेज इस तरह की, उन्होंने जब लोगो डिजाइन हर बंदे ने अपने टैग में लाजमी रखा हुआ, तो अब वो जब भी करते हैं तो उसकी गिग्स हमारे पास शो हो रहे, तो हम लोगों ने उसको क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। तो अगर ये लोगो डिजाइन हर किसी ने लगाया हुआ, तो हम लोग वहां पे अगर इस वर्ड को चेंज करते हैं, हम करते हैं जैसे हैदर बता रहे हैं कि आइडियल अगर मैं इसको करता हूं, तो सिर्फ सर्विसेज कितनी आ रही है, 71 सर्विसेज आ रही है। तो हमने कम कोशिश करनी है कि जहां पे कंपटीशन बहुत कम हो वहां पे हम जाएं, और आप लोग अपनी गिग को जब ज्यादा से ज्यादा टैग्स लगाया करें और अच्छे से अच्छे टैग पैन किया करें, जो हाईएस्ट यानी कि जो हमारी टॉप गिग्स होंगी उनमें से कॉपी की, फिर आप इनमें से सिलेक्ट करें, आपको उस दिन भी गाइड किया था, 4-5 टॉप गिग्स आप सिलेक्ट करने के बाद इनको आप रीड करें, इनमें से आप लोग फिर फॉर एग्जांपल डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में कर लें सिलेक्ट, फिर उसके अंदर आप उसको रीड करने के बाद उसको टाइम थोड़ा लगा के उसको स्टडी करें, वो किस तरीके से करता है, उसके उसने पैकेजेस किस तरह के बनाए हुए हैं, उनको कंपेयर करें और अपना खुद गिग क्रिएट करें, 5-6 कम से कम को कंपेयर करने के बाद आप लोग ये बनाएं। अब जैसे हमने जो गिग खोली हुई है उनकी, आई विल डिजाइन, उसने 3 पैकेज दिए हैं, बेसिक्स में उसने क्या है गोल्ड, ठीक है, उसके अंदर वो क्या कर रहा है, हाई रिकमेंडेड लोगो विद 1 रिवीजन, अब उसने रिवीजन के भी रेट बीच में मेंशन किए हुए कि मैं आपको जी बहुत से टाइटल हमें मिल जाएंगे, हम लोग वो सर्च करेंगे। अब ये देखें हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 गिग्स को कॉपी कर लें या उनके लिंक्स ओपन कर लो, उनके अंदर देखो जो चीजें कॉमन वो ऑफर कर रही है, देखें अबाउट वो कह रहे हैं वी विल वर्क टुगेदर ऑन इट, अब यानी कि उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, एवरीथिंग स्टार्ट विद योर ब्रीफ, और जो भी काम होगा वो आपकी ब्रीफ से होगा, यानी कि उसका सेंटेंस अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। हाँ आप चाहिए तो असल में क्या करिए, देखो ना बेसिक के अंदर वो जो कह रहा है कम पैसों में, स्टैंडर्ड में उसने रेट ज्यादा बढ़ाया, उसने 2 रिवीजंस कर दी है, प्रीमियम में उसने देखे 4 रिवीजंस कर दी है, ये आप उसे पैकेजेस बना बना के दे रहे हो। आप सब पे अनलिमिटेड रिव्यूज नहीं देना, ये डिफरेंट पैकेज बनाओगे ना कि मैं आपको ये ऑफर करूंगा, इस सर्विस में ये ऑफर करूंगा, यानी कि बेसिक के अंदर कम रेट रखोगे तो आप ये ऑफर करेंगे, और देखें वो लोगों कितने में बना के दे रहा है। अब उसने देखो क्या काम किया, एक तस्वीर ली है उसके ऊपर टेक्स्ट सेट कर दिया, एक लोगो उसने ये बना दिया, ठीक है जी, दूसरा उसने कहा इस तरह से लोगो है, ये है जी लोगो, ये है लोगो, ठीक है, जो उसने इमेजेस इसके अंदर डाले हैं। अब ये देख लें उसने साथ क्या क्या, उसने हमें क्या क्या वो ऑफर कर रहा है,
आयशा खान कह रही है किसी कौन देता होगा बेटा, इंटरनेशनल लोग दे रहे हैं ये, इसने बेसिक के अंदर उसने 17,000 रुपए मांगे हैं। अभी हमने ये आपको चीजें दिखाता हूँ, 2 days डिलीवरी 1 रुपया, स्टैंडर्ड में डेज 2 ही है, रिवियंस 2 कर दिए, प्रीमियम में उसने क्या कर दिए 3 days कर दिए और 4 रिवियंस कर दिए। ये एक ऑर्डर की ऑफर है। अब उसने यहाँ पे देखो उसने ऑफर क्या क्या चीजें की है, व्हाट इंक्लूडेड। पहली चीज है वो कह रहा है उसके इनिशियल कंसेप्ट्स इंक्लूड होंगे, सोर्स फाइल देगा, लोगो ट्रांसपेरेंसी देगा, हाई रेजोल्यूशन होगा, 3D मॉकअप भी साथ देगा उस लोगो का, ठीक है, और स्टेशनरी डिजाइन भी होगा, सोशल मीडिया किट भी देगा उसको और वेक्टर फाइल भी देगा। सो ये इनिशियल कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, इनिशियल कॉन्सेप्ट मींस कि उसने जो चीज डिमांड की है उसके बारे में बहुत कह रहा है कि उसके आपको कॉन्सेप्ट्स गाइड भी करेगा। ये देखिए अब उसने अबाउट गिग में उसने क्या क्या चीजें मेंशन की, वी विल वर्क टुगेदर ऑन इट, एवरी स्टार्ट विद योर ब्रीफ, यानी कि आपसे मैं ब्रीफ लूंगा और उसकी बेस के ऊपर आपका काम स्टार्ट होगा। यू विल नीड टू नो योर ब्रांड मिशन, आपको क्या क्या चीजें आपको भी, यानी कि उसने उससे क्या डिमांड की, रिक्वायरमेंट्स भी इसी उसने अट्रैक्टिव सेंटेंस में बता दी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है, ब्रांड क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, ठीक है, और उसकी टोन ऑफ वॉइस यानी कि उसकी वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्यूटी सलून है, ठीक है, फॉर फीमेल्स, ठीक है, और उस वहां पे अगर उस सलून के ऊपर मेल की दाढ़ी और मूंछों की तस्वीर लगा दी जाए तो कैसा होगा, क्या वो लोग उसके लिए वर्किंग है? और अगर मेल का और वहां पे फीमेल की तस्वीर लगा दी जाए देन, जी 3D मॉकअप के बारे में बात करेंगे वो हम जिस टाइम आगे जाएंगे, हम 3D मॉकअप्स बनाएंगे भी, अभी हमने वेक्टर पे काम किया तो 3D मॉकअप्स के ऊपर भी हमारा काफी काम होने वाला है, हम करेंगे। आप लोग वर्क पिक करें, आपको नहीं आता डजंट मैटर, हम लोग वो मैनेज कर लेंगे, सही है, हम आपके साथ किसी और को अटैच कर देंगे, ये आपका प्रोजेक्ट आगे हम किसी को दिलवा के वर्किंग कहीं से करवा लेंगे, ठीक है, आपको भी पैसे बच जाएंगे उनको भी, यानी कि आपके पास क्या असल में हमारा टारगेट है कि आपके अकाउंट्स वर्किंग में आ जाए, आपके पास रेटिंग्स अच्छी आ जाए। सो आप लोग वर्क करें इस पे, कुंदील वर्क कर रही है, फैसल वर्क कर रहा है, ठीक है, और अभी तक मेरे साथ किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया अपने अकाउंट। फिर वो कह रहा है राइट विजुअल स्टाइल लोगो फॉर योर ब्रांड आफ्टर द रियल क्रिएटिव प्रोसेस यू विल स्टार्ट सॉरी विल स्टार्ट्स वी विल कम अप टू लोगो डिजाइन कंसेप्ट टाइपोग्राफिक कलर पैलेट्स फील फ्री टू ड्रॉप अस लाइन टेल अस हाउ कैन वी हेल्प यू एंड वी विल टॉक अबाउट द डिटेल्स एंड नेगोशिएट द प्राइस व्हाट। उससे फिर ये भी उसको नीचे आखिरी ऑफर भी उसने दे दिया, आखिरी बात उसकी समझ में आ रही है, ये मैं सिलेक्टेड एरिया रखा हुआ है, सिलेक्टेड शायद आपको स्क्रीन पे पढ़ाने जा रहा हूं, ये निगोशिएट द प्राइस ऑफ व्हाट फिट यू द मोस्ट। अब ये इस बात का उसको क्या है, फिर आखिर में उसने एक अट्रैक्टिव सा सेंटेंस, लेट्स डू समथिंग ग्रेट टुगेदर। अभी तक इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू है, ये कहां की है जी, फ्रॉम स्पेन है, ठीक है, इसने कब से काम स्टार्ट किया है, जुलाई से काम स्टार्ट किया है और लास्ट डिलीवरी 4 days में, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 hour, ठीक है, ये उसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अकाउंट की। अब किसी और का अकाउंट ओपन करते हैं, गिग ओपन करते हैं,
इसमें उसने क्या ऑफर किए हुए प्राइस, उसने ऐड किया हुआ 5,000 रुपये में लोगो, ठीक है, 2 डेज डिलीवरी और 3 रिव्यू बेसिक्स के अंदर। स्टैंडर्ड में उसने आई विल डिजाइन लोगो टू फॉर मॉडर्न लोगो विद 7 रिव्यू एंड गिव। अच्छा यहाँ उसने देखे एक गलती भी की हुई, किसी ने और नहीं शायद किया, 7 रिव्यू यहाँ बोला और नीचे लिखी कितनी हुई, 6 रिव्यू। और यहाँ पे 3D, यहाँ पे 2 कलर लोगो या मिनिमलिस्ट, यानी कि यहाँ पे सिंपल लोगो दे रहा है, यहाँ पे उसने 2 कलर लोगो कर दिए और यहाँ पे प्रीमियम, यानी कि उसने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए, ये 17,000 रुपये में, ये 10,000 में और ये। और साथ प्रोवाइड क्या कर रहा है, और ये चीजें आप लोगों ने जो ऑफर करनी है वो सारे उस जो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में। और ये वो सेलर है, ये तुर्की से है, फिर उसने अपनी स्पेशलाइजेशंस भी बताई नहीं है कि ना सिर्फ वो ग्राफिक्स पे काम करते हैं, वो वेब के पे भी काम करते हैं, ये फ्रंट एंड डिजाइनिंग करते हैं वो वेब की, ठीक है। ये हमारे वैसे वेब डिजाइनिंग के कोर्स के कंटेंट्स में भी आ जाते हैं, HTML CSS, बट एक कुछ चीजें मिसिंग है, वर्डप्रेस डेवलपर है, विक्स डेवलपर है, ई कॉमर्स, ऑनलाइन स्टोर्स, लैंडिंग पेजेस, गोडैडी, गोडैडी आपको पता है कि वहां से डोमेन परचेज वगैरह करना, ग्राफिक डिजाइन, इमेज एडिटिंग और लोगो डिजाइनिंग, ये कुछ टास्क वो परफॉर्म करते हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी जैसे हम लोग मल्टीपल सर्विसेज, तो ये देखिए मल्टीपल, ये वेब की चीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये वेब होस्टिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी डोमेन परचेज करना और वो काम करना, और ये लोगो और ग्राफिक्स का भी काम करते हैं, क्योंकि ये वेब में ही हमारे मोस्टली चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब ये देखें वो क्या चीज है, ये जो ग्रीन मार्क हुए हैं ये वो दे रहे हैं बेसिक के पैक, जो उन्होंने पैकेज बनाए हुए हैं उनको कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे लोगो ट्रांसपेरेंट होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा, मगर उसके 3D मॉकअप नहीं होगा। ये देखिए उन्होंने जो अपनी सर्विसेज हैं इसको यहाँ पे उन्होंने डिटेल भी हमें शो कर दी है।
जी बच्चे, असल में मैं आप लोगों के कुछ कॉलेज को ड्रॉप करके वेटिंग लिस्ट से न्यू स्टूडेंट्स पिक कर रहा था, तो उसके लिए बच्चे आए। मैं गेन बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि वेक्टर फाइल कौन सी? सर वेक्टर फाइल मींस कि आपके जो आपकी एडिटेबल फाइल है उसको आप शेयर करते हैं। ठीक है जी, अब किसी और पर्सन की हम गिग देखते हैं। सबसे पहले हम उस पर्सन के बारे में थोड़ी सी नोहाव करते हैं। ये देखें जी, हमारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है, मुगल डिजाइनर वन, ठीक है जी। इन्होंने क्या पैकेजेस रखे हुए हैं? ये तो बहुत सस्ते में काम करके दे रहे हैं। कितने में? 855 रुपीज में। और इन्होंने वो हैदर वाली बात, वन डे डिलीवरी अनलिमिटेड रिवियंस, टू डे डिलीवरी अनलिमिटेड रिवियन, बट उन्होंने जो ऑफर्स हैं, जो चीजें वो ऑफर कर रहे हैं वो बढ़ा दी है। पहले में सिर्फ और सिर्फ वो आपको फेस कैम और पैनल डिजाइन करके दे रहे हैं। स्टैंडर्ड में उन्होंने कस्टम ओवरले, फेस कैम, पैनल, सोशल मीडिया किट, 4 अलर्ट्स और 4 स्क्रीन्स। ठीक है, वो 3400 में। फिर उन्होंने जो प्रीमियम पैकेज बनाया हुआ उसके अंदर वो अपनी सारी वर्किंग और उन्होंने यहाँ पे सर्विसेज बढ़ा दी हैं। तो ये उनकी आप सर्विसेज वो देख सकते हैं। और देखें वो जो बेसिक और स्टैंडर्ड के अंदर उन्होंने लोगो डिजाइन नहीं करके दिया, लोगो डिजाइन उन्होंने कहाँ पे करके दिया है? आपको प्रीमियम के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग भी रिवियन उन्होंने अनलिमिटेड कर दिए तीनों में, बट उन्होंने डिलीवरी टाइम जैसे उसने चीजें बढ़ाई हैं, ठीक है, वैसे ही उन्होंने वर्किंग, जारी बात है ये तो कि अगर काम ज्यादा करोगे तो टाइम भी आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है, इस टाइम हमारे साथ जिस बच्चे की अटेंडेंस लगी वो मुझसे कांटेक्ट करे, उसकी मैं अटेंडेंस मार्क कर दूं। और सेकंड टास्क ये, जिन लोगों ने अभी तक फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाए हैं वो जल्दी से अपने फाइवर के अकाउंट बनाएंगे। आप बेटा इसको एज अ फोटो, महरीन आपका वो मैं व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ठीक है, सर आप क्या कह रहे हैं, गूगल से लॉगिन करें? नहीं, आप लोगों ने अपना ईमेल के जरिए आप बनाना है। ये मैंने फाइवर अकाउंट बनाने की स्लाइड्स थी आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। अगेन मैं फाइवर के अकाउंट कैसे बनेगा उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो ये आप लोगों के पास स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है आप लोग, बट आप लोगों को मैंने सजेस्ट किया था कि ईमेल के जरिए अकाउंट बनाएं। आप में से किसी बच्चे असल ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं तो जमीन दो, एक मिनट बेटा आप लोगों की मैं अटेंडेंस की तरफ चल देता हूँ जी। बताएं अब अगेन मुझे अटेंडेंस। एक मिनट बेटा मैरिन, मैं आपको आंसर करता हूँ। अदनान एयास, जेबुन निसा, मोहम्मद उसामा, सैयदा नूर कासमी, ओके
द्वाबशी सायमा शब्बीर और कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस अभी तक मार्क ना हुई हो। मैं आप लोगों को बताता जो मैं जिन बच्चों को ड्रॉप करने वाला हूं उनके नेम है सोबिया तबस्सुम, ओ सॉरी इनको अभी तक अटेंडेंस ठीक है, इन आगे जाके ने केस थोड़ा सा इशू हो सकता है, इन्हें भी मैं ड्रॉप कर दूं क्योंकि क्लासेस रेगुलरली नहीं ले रही। लगा दिए बेटा आपकी उमर फारूक, सराफीन जेम्स, ये दोनों को मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाफिज तला हफीज क्लासेस तो ले रहे हैं मगर इंटरेस्ट वर्किंग इंटरेस्ट नहीं है। अदनान एयाज को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वो तीन है अभी फाइनल जिनको मैं कह रहा हूँ, सराफीन, उमर, एयाज खान, आमिर अफजल और अदनान एयाज, क्योंकि इनकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है। आमिर अफजल की 6 क्लासेस है सो मैं इतना बेयर नहीं कर सकता बेटा, जो बच्चे नहीं क्लास में इंटरेस्ट लेंगे उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। और कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो, जी ये पिक्स आई है मेरे पास ममूना मलिक की, बेटा आपने ऊपर लिख के भेज दिया ग्राफिक डिजाइन, बेटा हम ग्राफिक डिजाइन नहीं क्रिएटिव डिजाइन लिख के भेजना, ग्राफिक डिजाइन कई इस तरीके से आपके वो डाटा डॉक्यूमेंट्स में चेक करता हूँ एक सिर्फ। जी पहला स्टेप है हमारा अकाउंट क्रिएट अकाउंट, और क्रिएट अकाउंट के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट फेज में अपने पास फाइवर पे अकाउंट बनाते हो, आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा कि फेसबुक के जरिए अकाउंट क्रिएट कर लें, गूगल अकाउंट के साथ अटैच कर लें, ईमेल के साथ कर लें, तो बेस्ट वन जो मुझे लगता है कि वो है आप लोगों के पास ईमेल के थ्रू, आप ईमेल के जरिए अकाउंट क्रिएट करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह सारे ईमेल में रिसीव होते रहें आपके फाइवर के। जब आप फाइवर की वेबसाइट पे आएंगे आपके पास वेबसाइट के ऊपर कॉर्नर के अंदर ज्वाइन का ये व्यू आ जाएगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने यहाँ पे तो सिर्फ मैंने ज्वाइन की वर्किंग की, ये ओल्ड स्क्रीन है थोड़ी, ठीक है, उसके अंदर आपके पास गूगल और दूसरी सर्विसेज आ रही होंगी, आप लोगों ने ईमेल ऐड करनी और पासवर्ड ऐड करके उसको ज्वाइन कर लेना। फिर उसके बाद है आप दूसरा काम है आप लोगों को अकाउंट्स बनाना, यानी कि आप अपनी प्रोफाइल को सेट करेंगे, तो ये प्रोफाइल के अंदर ये स्लाइड भी आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले भी शेयर्ड है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने करना है कि अपनी प्रोफाइल को सेटिंग की तरफ ले जाना है, सेटिंग्स के अंदर यानी कि उसकी प्रोफाइल को ऐड करना, ठीक है, आप उसके अंदर कौन से हैं, आप बायर हैं सेलर हैं, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि आप लोग जो हैं वो सेलर्स हैं क्योंकि आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बायर जो होता है तो आप लोगों ने ज्वाइन एज अ सेलर करना है, एज अ बायर नहीं करना, बायर वो है जो आपसे सर्विसेज परचेज कर रहा है, ठीक है, आप लोग तो सर्विसेज देने वाले हैं, सो यू आर सेलर्स, ठीक है। उसकी कुछ मैंने टिप्स भी यहाँ पे आप लोगों की स्लाइड्स में दी थी कि आप लोगों ने उसके अंदर अपनी प्रोफाइल पिक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है लाजमी तौर पर। फिर उसके आपके पास अगर आप लोगों के पास स्किल अच्छी है आप लोग दे सकते हो उसके स्किल टेस्ट, ठीक है, तो वहां पे आप लोग जो टेस्ट दिए हो, ठीक है, तो वो उनके रिजल्ट्स को भी शो करें। इन केस ऑफ अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आप 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन कर सकते हैं अगेन, जो कि फाइवर आपसे ले जाता है वो जस्ट ओनली आपकी स्किल को, अगर आपके स्कोर्स कम है टेस्ट के तो आप उसे शो ना करें।
ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं उस टेस्ट में, जैसे फैसल ने भी पिछले प्रीवियस डेज में टेस्ट दिया था, तो इनके 7 और आई थिंक 6.8 थे या 6.5 मार्क्स थे, तो इस तरह की एवरेज, तो उसने इन्होंने अपना टेस्ट रिजल्ट इन्हें शो करना चाहिए वो के 7 मार्क्स ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है, नहीं आता। अगर किसी के मार्क्स कम है तो वो उसे बेशक हाइड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट पे अपने टेस्ट मार्क्स शो करते हो कि नहीं। फिर आप लोगों की स्किल, क्योंकि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लोगो डिजाइन और इस तरीके से डिफरेंट फीचर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो स्किल्स हैं आप लोगों ने वो भी अपने अकाउंट में शो करनी है, अपने फाइवर अकाउंट में शो करेंगे कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपके पहले क्या करते थे और आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किन टूल्स पे आपकी ग्रिप है, तो ये सारी चीजें भी मेंशन आप करें अपनी। फिर उसके बाद आप अपनी प्रीवियस एकेडमिक सर्व के बारे में भी यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहते हैं, ताकि मे बी उसको आपकी फील्ड के रिलेटेड कोई काम हो तो वो भी आपको ऑर्डर कर सके, लाइक एजुकेशन आपकी क्या है, किस कॉलेज के अंदर से आपने क्या चीज सीखी है। और उसके अलावा आपके कोई सर्टिफिकेशन स्कीम है, कोई कोर्सेज किए हुए किसी चीज के अराउंड, ठीक है, अबाउट, तो वो भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक इमेज लगाई है, तो इस इमेज के अंदर ही उन्होंने अपनी सारी प्रीव्यू शो किया हुआ कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, ठीक है। और ये साइट पे जो आपके ऑप्शंस हैं ये, और आप लोगों ने एक रात के वक्त ऑनलाइन लाजमी होना है, तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप लोग ये बायर रिक्वेस्ट वगैरह जो सेंड करते हैं ये भी बहुत इफेक्ट करता है, आप लोग दिन में सेंड कर रहे थे, तो बायर रिक्वेस्ट कोशिश किया करें कि आप लोग सेंड किया करें अप्रोक्सीमेटली 10 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक। इस वक्त में मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल कंट्रीज के होते हैं, तो वो रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर आपसे कम्युनिकेट भी कर सकता है, आपका स्टेटस ऑफलाइन जा रहा होता है जिस वजह से वो आपको बायर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, तो ये भी आपको एक टिप मैं शॉर्टली मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुंदील और ये कह रही थी कि जी मैं सर इतनी ऑफर्स मैंने सेंड की बट मुझे अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, तो बेसिकली इस तरह से होता है कि हम लोग टाइमिंग का भी एक स्लैब जा रहा है, आप लोग ऑफलाइन शो होते हैं देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन का स्टेटस आ रहा होता है, अगर आप उसे ऑफलाइन शो होंगे तो वो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते ऑफर्स को, जो लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन होते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। सो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग कोशिश क्या करें कि फाइवर पे डेली ऑनलाइन हुआ करें, और जिन लोगों की किक्स बनी हुई हैं, ठीक है, मीन वो क्योंकि वो 10 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, बेटा क्योंकि ये जो मैं जिस देख रहा था किक्स, तो वो मुझे आपकी किक्स जो है रुपीज में शो हो रही थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, तो क्लाइंट को आप लोग डॉलर्स में मैचिंग कर दें। वो अभी अगेन मैं डिस्कस करता हूँ बेटा, 10 रिक्वेस्ट वाली बात अगेन बता। अच्छा वो बेटा इस तरह है कि हम लोग कोई जिस टाइम बायर रिक्वेस्ट आई हमारे पास आई होती है, हम लोग उसमें से कोई रिक्वेस्ट ओपन करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन को इन डिटेल पढ़ लें, पढ़ने के बाद सेंड ऑफर का बटन आपके पास होता है, आप उसे ऑफर जब सेंड करते हैं तो आप 10 ऑफर सेंड कर सकते हैं बायर, 10 बायर्स को सॉरी को रिक्वेस्ट पर 10 बायर रिक्वेस्ट को आप सेंड कर सकते हैं ऑफर्स कि मैं ये आपका काम कर सकता हूं, तो ये आप लोगों मिनिमम, और आप लोगों को ये बात बताते हूँ ये जो ऑफर्स हैं ये एक ही तरह की हैं, यानी कि बेशक कोई लेवल 1 का पर्सन है या 0 लेवल का है या कोई टॉप सेलर है, ठीक है, हमने कैटेगरीज की बात की थी ना इनकी फाइवर के ऊपर जो कैटेगरीज हैं ये लेवल्स हैं, तो वो इन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो इम्पोर्टेंस देता है सबके लिए। वन डे एक दिन में 10 ऑफर्स आप सेंड कर सकते, यानी कि 1 मंथ के अंदर आप 300 ऑफर्स सेंड कर सकते हैं। मंडे को मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये ऑफर सेंड करने का भी पूरा लेक्चर करूंगा, कुंदील का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था मैंने रीड किया बेटा, तो मैं आपको उसके मुकम्मल एक डिटेल लेक्चर प्लान करूंगी, मुझे थोड़ा सा उसके लिए व्यूज वगैरह वो सारी चीजें स्लाइड में बनानी पड़ेंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ एक लेक्चर बना के आपसे शेयर करूंगा।
बेटा जिस तरह की कैटेगरी आपने गिग ओपन की हुई है अपनी, उस गिग के हिसाब से ऊपर आपको बायर रिक्वेस्ट आ रही होती है, जिस कैटेगरी की आपकी वर्किंग है तो आप उस हिसाब से सेंड कर सकते हैं। जो आपको बायर रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल बायर रिक्वेस्ट आपको आई भी है लोगों की, और आप उसे ये थोड़ी कहेंगे कि मैं उससे वेबसाइट बनवा लें, तो ऑफर तो हम वही सेंड करेंगे। हाँ एक काम हम कर सकते हैं, ऑफर के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों से ऑफर करें ताकि वो इंस्पायर और आपको प्रोजेक्ट दे। ठीक है जी, जी वो मैं आपको इफेक्टिव क्या इसका मुकम्मल एक बना के मैं आपको इसका ना लेक्चर कंप्लीट इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैंने नोट किया कि ऑफर्स के ऊपर काफी इश्यूज हैं अभी बच्चों को। अभी आज का आप लोग, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ सब बच्चे पहला काम ये करें कि आज आपका अभी टास्क जो आपको दी जाएगी, आप लोगों ने अकाउंट्स बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद मैंने आप लोगों को भी गिग्स लिखने का भी तरीका थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो ये था कि आप 3-4 गिग्स ओपन कर लें इफेक्टिव, और वो गिग्स ओपन करना जो हाईली रेटिंग हो, ठीक है, 5 स्टार्स हो, ठीक है, या 4 कम अज कम हो, फिर उन 4-5 गिग्स को कंपेयर करें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लोगों की आप कर रहे तो उनके अंदर उनके की जो उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है, जो उसने टैग्स लगाए हुए, असद खान आप ये अकाउंट के हमने पहले एक दफा डिस्कस किया था इन डिटेल, मैंने खुद अकाउंट बनाया था, मेरी इस टाइम जो अपनी ऑफिशियल ईमेल्स हैं वो सारी इस टाइम अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसलिए मैं अगेन नहीं बना सकता। सो अगर कोई बच्चा वो वीडियो का लिंक शेयर कर दे यूट्यूब पे जो जिसमें हमने ये डिस्कस किया था फाइबर का अकाउंट बनाना, आप ज्वाइन पे जाएंगे कोई हेल्प की जरूरत होगी आप मुझसे व्हाट्सएप पे यानी कि मेरे पर्सनल नंबर पे क्वेश्चनिंग करते रहें, ठीक है, जिन बच्चों को अकाउंट बनाने का तरीका नहीं पता मैं आपको गाइड करता हूँ। ये आप लोगों को जो प्रैक्टिस टाइम दिया जा रहा होता है मैं आप लोगों के साथ अटैच ही होता हूँ, जस्ट आप लोगों को ये, तो आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चनिंग करना चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग स्टार्ट न्यू गिग करेंगे उसके लिए इमेज है, यानी कि आप लोग इस स्क्रीन पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे आप लोग ये क्रिएट न्यू गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक जब आप अकाउंट बनाएंगे तो इस तरह आपके पास स्क्रीन ब्लैंक होगी और आप इसको न्यू गिग क्रिएट कर लेंगे। आप एक ही अकाउंट पे बना लो बेटा, क्योंकि आपकी गिग रेटिंग होती है अकाउंट नहीं। अच्छा इसकी मैं लाइव एग्जांपल आपको ये देता हूं कि अकाउंट आपका समझ लो कि एक स्टोर है और गिग आपकी वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर रहे हो, बिकॉज यू आर द सेलर। जी किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन बेटा मिस हो जाए करे मुझे बता दिया करे, क्योंकि मैं चैट से रीड कर रहा हूं आपको कोई भी क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे किस स्क्रीन के ऊपर जिस टाइम आप पहुंचेंगे तो ठीक है आप वहां पे क्रिएट न्यू गिग के ऊपर जाएंगे। अच्छा आपने जिस टाइम अपना प्रोफाइल सेटअप कर लिया तो आप किस तरीके से जाएंगे आप लोगों के ये ऑप्शन, ठीक है, सेलिंग मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आप लोगों के सामने एक ड्रॉप डाउन अपेयर होगा, वहां पे आप गिग्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग क्रिएट ये वाली स्क्रीन शो हो जाएगी लास्ट से, और वहां पे आप क्रिएट न्यू गिग करेंगे तो आप लोगों के पास न्यू वर्किंग आ जाएगी, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी।
ठीक है, इस गिग्स को उन्होंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो स्टेप्स क्या है? पहला जो उसका क्योंकि स्टेप 4 हमने मैंने इसको स्टेपिंग में बनाया, तो उसके अंदर पहली चीज है आप गिग का टाइटल, आपकी गिग का टाइटल। तो इसके बारे में मैंने कहा था कि आप गिग के टाइटल, क्योंकि आपको कुछ लिमिटेड वर्ड्स उन्होंने ऑफर किए होते हैं 80 कैरेक्टर्स के, तो आप लोग कुछ सेंटेंस ऐसा बनाएं जो अट्रैक्ट करे आपकी प्रोडक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को कोई सेल कर रहा होता है तो उसके लिए अट्रैक्टिव सेंटेंस को यूज कर, आई विल ऑफर इन लोएस्ट, जैसे कि तो उस हम जो चीज ऑफर कर रहे हैं वो भी हमारा मैसेज डिलीवर हो जाए। तो टाइटल हमारा बहुत ही शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अगर मैं शॉर्टली कहूं तो आप लोग कह रहे हैं कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव। देखिए ये टिप्स भी आपको स्लाइड में दे दी है। फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट उसकी कैटेगरी, वो किस कैटेगरी में, और सर्च टैग्स। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी सर्च टैग की, हमने फॉर एग्जाम्पल सर्च किया था हम फाइवर पे जाके लोगो डिजाइन, तो हमारे पास 1 लाख समथिंग सर्विसेज आ गई, गिग्स शो हो गई थी, ठीक है कि इतने सेलर्स ने ये गिग्स क्रिएट किए, इसके अबाउट की हुई है। तो वो आप लोगों की गिग्स जो शो हुई थी, उसका शो होने का रीजन यही था कि उस सब ने लोगो डिजाइन का सर्च टैग लगाया हुआ। कोई भी सर्च करता है तो ये आप लोगों ने सर्च टैग अपने ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं गिग्स के साथ, ताकि आप लोगों की गिग्स लाजमी सर्च हो। लास्ट टाइम मुझसे कुंदील ने और फैसल ने अपनी शेयर की थी, तो इनके पास 60+ आई थिंक इम्प्रेशंस आ रहे थे। इम्प्रेशन बेसिकली ये होता है कि किसी ने इस तरह की गिग को सर्च किया, तो वो इम्प्रेशन होता है। तो जितने ज्यादा आपकी गिग्स सर्च होती हैं और वो उतने ही टॉप पे आपकी गिग्स शो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कैटेगरी के अंदर ये है कि वो कुछ कैटेगरीज के अंदर वो आपको डायरेक्टली आप लोगों को जिस तरह टाइटल देते हैं वो आपको ऑफर कर देता है आपकी फील्ड के हिसाब से। अगर आप उस कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्क्रीन आप लोगों के पास ये, और साथ साथ वीडियो ट्यूटोरियल भी इसके अक्सर शो हो रहे होते, अक्सर नहीं हो रहे होते। तो पहली चीज है टाइटल, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन में कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे किस तरह के, और सर्च टैग आप लोगों ने उसके अंदर सर्च टैग लगाने हैं कि आपकी कोई सर्चिंग वहां पे जाके करता है तो किस तरह की शो। सर अब 89 इंप्रेशन है एंड 2 क्लिक्स हो गए। गुड बेटा, ये क्लिक्स होना बहुत जरूरी है। क्लिक्स समझ लो कि किसी ने आपकी गिग को पढ़ा है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये इन डिटेल, ठीक है, जैसे हम सेंड ऑफर करेंगे, ठीक है। तो क्लिक्स जो होते हैं, किसी ने आपकी गिग को ओपन करके इसको रीड आउट किया है। इंशाल्लाह होप सो कुनील यू गेट सक्सेस इन कमिंग सू डेज। फैसल भी एफर्ट्स कर रहे हैं। फैसल आपके कितने इंप्रेशंस हो गए और कितने क्लिक्स हुए हैं उन पे? ग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली आप कम से कम भी 3-4 गिग्स लाजमी बनाए। और कुंदील आपने कितने गिग्स बनाए हुई है इस टाइम करंटली? बेटा इंप्रेशन मीन के आपकी गिग्स के अकॉर्डिंगली किसी ने सर्चिंग की है। फैसल ने 2 गिग्स बनाई है। बेटा और बढ़ा दो गिग्स, आप ज्यादा कर दो, तो कोई यानी कि 4-5 तो कर, 4-5 कर ले, उससे ये है। और आप लोगों गिग्स बनाने के क्राइटेरिया मैंने बताया कि आपने मिनिमम जो आप लोगों लो कंपटीशन गिग्स हैं वो क्रिएट करें, ठीक है, और उनके अंदर आप लोग ट्राई कीजिएगा क्योंकि उनका कंपटीशन जरा कम होता है। ट्राई आप लोगों ने करना उन 4-5 गिग्स उसी कैटेगरी की ओपन करके उनको मैच करके, ठीक है, उनमें से जो कॉमन चीजें वो पिक करें, ठीक है, और फिर उसको अटैच करें। कुंदील आपने 3 गिग्स बनानी है, यानी कि आप कोशिश करें कि टोटल 3 आपकी कम से कम हो जाए। और ये सब बच्चों अभी आप लोगों का टास्क होगा, आज आप लोगों ने अभी अकाउंट बनाना है सब लोगों ने,
और संडे का टास्क है आप लोगों का गिग्स का। अच्छा जी, तो ये हम कैटेगरीज और ये चीजें जब फिल कर लेंगे उसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम नेक्स्ट फेज में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट फेज है हमारा प्राइस करना अपनी गिग को। अच्छा यहाँ पे आ जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जब हम प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो प्राइस भी हम तीन तरह से करते हैं क्योंकि हमारे पास तीन तरह के हम पैकेजेस बना सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया तो उन्होंने तीन तरह की प्राइसिंग सेट की हुई थी, एक बेसिक थी, एक स्टैंडर्ड थी, एक प्रीमियम थी। तो उसके अंदर आप बेसिक्स के अंदर क्या चीजें ऑफर करेंगे और कितने पैसों में ऑफर करेंगे। स्टैंडर्ड भी एक आपने, यानी कि आपने जो ऑफर आपकी गिग है उसको तीन कैटेगरीज आप बना रहे होते हो, तीन तरह की ऑफर्स होती है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो वहां पे आप लोग इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पैकेजेस जो है तीन है और इन पैकेजेस के अंदर हम डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। जैसे कि आप लोग मैसिव पैकेज ले खरीद रहे होते हैं तो वो आपको कहता है जी कि जो 100 रुपए वाला पैकेज है उसके अंदर वो एक वीक के लिए इतनी चीजें ऑफर कर रहा होता है, इतना इंटरनेट आपको मिलेगा। जो 200 वाला उसके अंदर ज्यादा चीजें। तो सिमिलर ही हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के हमारे पैकेजेस, हमें उनका नाम बेसिकली दिया गया होता है बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम। तो उनको हम फिल आउट करवाते हैं, ठीक है, उनके पैकेजेस के अंदर सर्विसेज और नेम वगैरह, ठीक है। तो हम उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर वो उनमें से सिलेक्ट करता है अगर आपकी गिग में जाके कि ये बंदा हमें कौन से प्राइस के ऊपर आपको ऑफर करना है, ठीक है। तो वो वहां से आपको आप सब कम्युनिकेट करते हैं कि आप उसको बेसिक में क्या ऑफर कर रहे हो, ठीक है, स्टैंडर्ड में कितने पैसों में क्या चीज ऑफर कर रहे हो। तो ये वाली बात है, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट की तीन क्वालिटीज आपने रखी हुई है और आप लोएस्ट प्राइस की जो प्रोडक्ट है आपकी उसको उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, यानी कि आपने पैकेट्स बनाए हुए हैं। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? किसी का इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, पैकेजेस के बारे में क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। पैकेजेस के अंदर फर्दर पूछी जाने वाली जो चीजें हैं उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक? ले सकते हैं। तो हमारे पास डिलीवरी टाइम, रिव्यू, प्राइसिंग, ये सारे हम लोग गिग बेस के ऊपर कर रहे थे कि किस गिग की कैटेगरीज यानी कि पैकेज के अंदर मैं कितने प्राइस ऑफर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं गिग्स के अंदर एक्स्ट्रा क्या आप दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एडिशनल चीजें हैं, कोई एक्स्ट्रा किसी काम के लिए अगर आप देते हैं तो एड एक्स्ट्रा गिग का एक बटन नीचे शो हो रहा होता है, तो वो भी आप लोग उसको ऐड करके उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो आप उसको देना चाहे, कोई न्यू ऑफर देना चाहे और उसका प्राइस भी एक्स्ट्रा फीचर अगर वो लेता है आपसे तो वो भी आप उसको ऐड कर सकते हो। फिर अगर कोई फिजिकल शिपिंग अगर होती है मोस्टली, क्योंकि हमारा तो ग्राफिक्स का वर्किंग है, ठीक है, तो हम यानी कि कोई फिजिकल चीजें नहीं भेजते तो हमारे पास शिपिंग की कोई चीज नहीं। अगर शिपिंग के चार्जेस भी आप लोग वहां पे मेंशन कर सकते हैं इन केस ऑफ कोई उसको आप हार्ड कोडेड कोई चीज सेंड कर रहे हो या हार्ड कॉपी किसी चीज की सेंड कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट या फोटोग्राफ या कोई फिजिकल थिंग है जो कि सेंड की करनी है तो उसके शिपिंग चार्जेस वगैरह भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ये इस तरह का व्यू आपके पास आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये पैकेजेस आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। आप पैकेजेस के अंदर पैकेज के यहाँ पे नेम दोगे, ठीक है, और उसके बाद ये उसके पास उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिलीवरी टाइम, फिर रिव्यूज आप कितनी ऑफर करेंगे, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपके पास। फिर ये नीचे कुछ चेक बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह के ना ये स्लो लेवल पेज है इसलिए कंप्लीट नहीं आ सका था, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या क्या आप हाईली हाई रेजोल्यूशन क्या चीजें दोगे, तो वो सारी भी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जो है वो है गिग की डिस्क्रिप्शन,
और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, फैक्ट्स, ठीक है, तो उसके अंदर आ जाता है हमारे पास कि आप अपने उस गिग को, जो आप गिग आपने बनाई है, उस गिग के अबाउट इन डिटेल कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हो कि मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूँ, ये वो चीजें, और फिर उस गिग के अबाउट जो आप फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी कि आपको लगता है कि लोग मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, तो वो आप लोग वहां पे टाइप करोगे। अजम्पशन बेस के ऊपर वो हम एफक्यूज ऐड कर देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये हो सकता है, मैं जब कि आप रिवीजन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो कि आप लोगों की गिग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गिग के आप लोग क्या क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, आपको चाहिए क्या, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके लिए आपको 120 करेक्टर्स मिनिमम और आपके पास 1200 करेक्टर्स की तक की ऑप्शन मौजूद होती है। और हम लोगों को किसी क्लाइंट को कोशिश करनी है कि हमारा बिहेवियर क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छा हो, फ्रेंडली हो, ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हो, हमारे नेगेटिव रिव्यूज या नेगेटिव फीडबैक ना आए। पैकेजेस को नेम आप डिफरेंटली करेंगे, मीन्स कि आप उसको, क्योंकि आप एक सेम नेम तो नहीं रखेंगे ना, रख सकते हैं, इशू नहीं है, बट आप सेम रखिए अगर नहीं, वो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि आपने एक पैकेज यानी कि प्रीमियम वो तो उसके उन्होंने फाइवर वालों ने आपको कैटेगराइजेशन करके दी कि आप भी उस तरह की नाम को डिफरेंट रखें। अच्छा जी, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि उन्होंने आपसे पूछा, विच इंडस्ट्री डज द वर्क प्लेस और बिजनेस बिलोंग और टू, आप किस फील्ड से हो, किस काम से हो, तो आप लोग यहाँ पे अपनी डिजाइनिंग और इस तरह की प्लेस आएगी आपकी। आप किस तरह के काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी कौन सी, किस इंडस्ट्री से बिलोंग हो आप, उनका ये क्वेश्चन है। ग्राफिक्स लिखेंगे तो वहां पे आ जाएगी आपकी। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो नहीं, आप कुछ ये इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो ये देखिए उसने आपको नीचे बताया है कि मिनिमम 120 कैरेक्टर और मैक्सिमम 1200 कैरेक्टर्स आप लोगों का मौजूद है। फिर उसके बाद ऐड एफएक्यू के क्वेश्चन लगे हुए, आप यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जो के क्लाइंट्स आपसे पूछ सकते हैं, उनके आंसर भी आप कर सकते हैं। जो लोग आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, आप लोगों के कह लो के रिलैक्स करने के लिए वर्किंग कह लो, कि आपसे जो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप ऑलरेडी उनके आंसर्स कर दें, ताकि वो आपसे आंसर करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करें। फिर आप लोग नेक्स्ट इसके जो स्क्रीन है वो है आपकी रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट देना चाहता है, ठीक है, तो वो आपको क्या क्या चीजें दे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे अपनी इंडस्ट्री बताए कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, दूसरा वो अपने कंपनी का नेम बताए, फिर उसके अलावा मुझे वो बताए कि कोई सैंपल इफ है उसके पास, कोई सैंपल वर्क है कि जिस तरह का वो लोगों चाहता है वो आपसे शेयर करे, ताकि आप लोग उसके काम को आसानी से समझ सको।
कि वो किस तरीके का लोगो समझ रखता है, फिर उसके माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई वो सेंटेंस में अपनी बात में बता दे आपको किसी तरीके से कि आप उसको किस तरह की चीज रिक्वायर्ड है जो वो आपसे बनवाना चाहता है। यानी कि आप इंटरव्यू में आपको यानी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, तो वो आप वो यहाँ रिक्वायरमेंट्स के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करके वो आप यहाँ पे सेव कर कंटिन्यू कर देंगे। फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी को ऐड टू गिग गैलरी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ही आप लोग सैंपल फोटोज वगैरह अटैच कर दोगे, गैलरी आपके पास ये कह लो कि एक लोकेशन है कि उस तरह के जो काम आप लोगों ने किए होते हैं तो वो आप करके यहाँ पे अटैच कर दें। वो वीडियो भी आपके पास हो सकती है और इमेजेस भी हो सकते हैं। बेटा आपके पास यहीं पे मैसेज में शो होगा। ईमेल में भी नोटिफिकेशन वैसे आते हैं। अच्छा जिस टाइम आप ये फॉर एग्जांपल आपने गैलरी के अंदर तस्वीरें वगैरह वीडियोस वगैरह जो आपने या पीडीएफ फाइल्स वगैरह जो आपने ऐड करनी है वो सारी करनी है अकॉर्डिंग टू योर वर्क, ठीक है। जिस अकॉर्डिंगली आप गिग बना रहे हैं तो उसी के सैंपल्स भी क्योंकि आप दे रहे होंगे तो ये सारा काम आप कर लेंगे तो नेक्स्ट फेज आपका आ जाता है लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों को क्योंकि उर्दू के अंदर बहुत रेयर चांसेस है आप लोगों को जो लैंग्वेज जिनके अंदर आप प्रोमिनेंट हैं यानी कि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो तो मेरे ख्याल से वो सारी लिख देनी चाहिए। तो आप उर्दू लिख दें, इंग्लिश लिख दें, क्योंकि जो मोस्टली इंग्लिश का एडवांटेज ये है हमारे पास के जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है और वो क्या लगे इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे इस टाइम हमारे पास इंग्लिश एक वाहिद लैंग्वेज है जो कि हर कंट्री के लोग अंडरस्टैंड मोस्टली कर लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद स्टेप 9 है गिग को पब्लिश करना, तो आप लोग अपनी गिग को पब्लिश कर देंगे, ठीक है। और गिग को पब्लिश करने के बाद कोशिश करें कि आप अपने गिग को प्रमोट करवाएं थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए ताकि आपकी गिग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको व्यू करें। आपकी गिग जैसे आप इसको पब्लिश करेंगे देन ही फाइनलाइज्ड होगी और उसके फिर आपकी वर्किंग कंप्लीट होती है। और सबसे ज्यादा जो हमारी गिग के अंदर मोस्टली वर्किंग है जो उसको पॉपुलर करवाते हैं वो हमारे टैग कह लें, ठीक है, जिसको फ्लैग भी कह सकते हैं, टैग भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए गिग के ऊपर कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव यानी कि एक टिप्स दी हुई है क्योंकि हमने कोशिश करनी कि मेरी गिग किसी तरीके से भी फर्स्ट पेज पे था क्योंकि हम लोग कोई भी चीज बता कर सर्च करता है ना उसकी कोशिश यही होती है कि जो गिग फर्स्ट पेज पे आ रही थी वो उसी को रिव्यू करे। आपके गिग की जो ट्रैफिक है यानी कि जो लोग उसको व्यू करेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप टैग बहुत अच्छे से लगाए। जी ठीक है,
अब आप लोगों का आ गया है प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम में आज आप लोगों को जो टास्क है, आप लोगों ने सबसे पहले करना ये है कि आप लोगों ने अपने प्रोफाइल्स बनानी है। प्रोफाइल्स बना के, ठीक है, सब बच्चों की आज प्रोफाइल्स में चाहता हूँ कि बन जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोफाइल बनाने का टास्क है, ठीक है, और ये आप लोग अभी करेंगे। और फिर उसके बाद आप लोगों ने मंडे तक मिनिमम 3 gigs बनानी है। तो हम अभी gigs बनाने के वो मैं अगेन डिस्कस करूंगा आप लोगों के प्रोफाइल बनाने के बाद। तो आप लोग 11:30 बजे तक मुझे जल्दी से अपनी प्रोफाइल बनाने के ऊपर टास्क करें और उनको कंप्लीट करें। प्रोफाइल पिक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंप्लीट करें अपनी प्रोफाइल। जिन लोगों की बनी नहीं है तो वो यानी कि वो ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग अब टास्क करना स्टार्ट कर दें अपनी गिग्स का, गिग्स क्रिएट करने का। उसके लिए अच्छे से गिग्स की कैटेगरी सिलेक्ट करें और उसके ऊपर लो कॉम्पिटिशन गिग्स कहेंगे तो उसको ढूंढें और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आज हम लोग फ्री लांसिंग है, मेरा प्लान है कि इस वीक क्योंकि मेरी आसिफ कुमार साहब की रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो आसिफ साहब यही कह रहे हैं कि आप लोग फ्री लांसिंग की तरफ फोकस, बच्चों का कम है, आपकी ग्राफिक डिजाइन बहुत अच्छी जा रही है, कुछ ऐसा ही है। हम फिर फ्री लांसिंग वाली साइड पर ज्यादा फोकस ज्यादा करते हैं। जी अतरुबा बच्चे हैंड रेज किया।